हेलो फ्रेंड्स, अगर जैट एग्जाम की बात करूं तो जो मेक और ब्रेक सेक्शन है वो है आपका डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप अपने स्कोर मैक्सिमाइज करके एक्सएलआरआई एसपीजेएन कॉलेज से कॉल ला सकते हो। अदरवाइज ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे एक बारी क्वेश्चन गलत होने लगते हैं तो बैक टू बैक सारी गलत हो जाते हैं एंड आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं जो आपको हेल्प करेंगे अपना डिसीजन मेकिंग का स्कोर इंप्रूव करने में एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कैसे करने हैं वो आपको बताने वाला हूं। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये देखो, जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको करने का एक 5-स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। आपके सामने जनरली क्या होता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, मॉक्स दिए होंगे, आपके सामने एक केस होता है, उस केस को आप अंडरस्टैंड करते हो। उसके ऊपर दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं, या तो सिंगल क्वेश्चन होगा या फिर ग्रुप्ड क्वेश्चन होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन का। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो सबसे पहले आपको भाई पूरा का पूरा केस को रीड करना है, रीडिंग द केस थॉरली। जब आप पूरा का पूरा केस रीड करोगे तो उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो ग्रैस्प कर लोगे एंड जो भी आपको लग रहा है कि ये इस केस के इंपॉर्टेंट क्रक्स हैं उसको आप भाई मेंशन कर लो, पेन डाउन कर लो एंड उनको हाईलाइट कर लो। अब सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, केस रीड करने के बाद आपको जाना है क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन को रीड करोगे एंड क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आप भाई एग्जैक्टली वहीं पे फोकस करो जो पूछा गया है। आपको अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आपको आंसर करना है। थर्ड क्या है, थर्ड है एनालाइजिंग द ऑप्शन। यहाँ पे सबसे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, एक ऑप्शन को टिक कर दिया, बट आपको सारे के सारे ऑप्शन एनालाइज करने हैं। एनालाइज आपको इसलिए करने हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग सेक्शन में कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता, देयर इज नथिंग ब्लैक और व्हाइट। भाई जो चीजें हैं वो ग्रे कलर में होंगी, आपको यहाँ पे पिक करना है जो बेस्ट ग्रे है, मतलब आपको आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने क्वेश्चन रीड करा, एक ऑप्शन आपको सही लगा, टिक कर दिया, हो सकता है जो अनदर ऑप्शन है वो उससे ज्यादा सही हो। तो इसीलिए आप वन बाय वन सारे के सारे ऑप्शन रीड करोगे एंड उसके बाद आप स्टेप 4 पे जाओगे जो क्या है, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो आप भाई ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे एक एक करके। अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 5 ऑप्शंस है, तो ये आपके पूरे के पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन अप्रोच यूज करोगे तो आपके भाई एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आप इसमें एनालाइज करोगे, फिर एक एक करके एलिमिनेट करोगे कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, देन जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे आप 2 आंसर पे जाके स्टक हो जाओगे, या तो ये होगा या वो होगा। तो उस केस में आपको अपना 5th स्टेप यूज करना है, दैट इज वेरीफाइंग योर आंसर। आप 2 ऑप्शन अगर आपके बच्चे हैं या एक आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उस आंसर को क्वेश्चन में फिट करके देखो। फिट करने के बाद जो केस में आपको बात बोली हुई थी वो सारी की सारी बात सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सारी की सारी सेटिस्फाइड हो रही है तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है 2 ऑप्शंस में, तो वो आपको पता चलेगा जब आप 5th स्टेप को यूज करोगे। अब बात आती है, सर आपने स्टेप तो बता दिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करें? तो भाई मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है जैट क्वेश्चंस का एंड उसमें मैंने आपसे भाई डिस्कस करें कुछ भाई 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन की आपको अप्रोच बिल्ड करवाई है, कैसे बिल्ड अप करना है, उस पूरे वीडियो को देखना, हर एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके मेरा सॉल्यूशन देखना एंड देन अंडरस्टैंड करना कि क्या आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच सेम हो रही है। कुछ 1 hour 15 minutes की वीडियो है, उसको देखने के बाद यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग सेक्शन। तो आई होप आपको भाई काफी हेल्पफुल लगा होगा, नीचे जो लिंक है वो वीडियो पक्का देख लेना, काफी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी जितनी भी रेलिवेंट वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो या आपको करंट अफेयर्स अपडेट रहना है तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो @studybus_education एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।